सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मदरसे के मामले में हल्द्वानी दंगे के फरार दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए अब उनके पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। वहीं गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि हल्द्वानी बनफूलपुरा दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोहित सहित 9 लोगों का पोस्टर जारी किया गया है। कुर्की की कार्रवाई के साथ साथ फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस द्वारा जानकारी जुटाकर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य बात यह है कि अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए, कोर्ट से वारंट लेने के बाद में इन लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूंकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है, जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो जो में पता लग रहा है वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का, तो जैसे जैसे हमें डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियाँ करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।